ये बात सही है कि उत्सव समाज की शक्ति होता है। उत्सव व्यक्ति और समाज के जीवन में नए प्राण भरता है। उत्सव के बिना जीवन असंभव होता है। लेकिन समय की मांग के अनुसार उसको ढालना भी पड़ता है। इस बार मैंने देखा है कि मुझे कई लोगों ने, खास करके गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा, उन चीजों पर काफी लिखा है और उनको चिंता हो रही है पर्यावरण की। कोई श्रीमान शंकर नारायण प्रशांत करके हैं, उन्होंने बड़े आग्रह से कहा है कि मोदी जी, आप मन की बात में लोगों को समझाइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई गणेश जी का उपयोग न करें, क्यों न गांव के तालाब की मिट्टी से बने हुए गणेश जी का उपयोग न करें, पीओपी की बनी हुई प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। उन्होंने तो बहुत पीड़ा व्यक्त की है और उन्होंने भी की है। मैं भी आप सबसे प्रार्थना करता हूं, क्यों न हम मिट्टी का उपयोग करके गणेश की मूर्तियां, दुर्गा की मूर्तियां, हमारी उस पुरानी परंपरा पर वापस, पर्यावरण की रक्षा, हमारे नदी तालाबों की रक्षा, उसमें होने वाले प्रदूषण से इस पानी के छोटे छोटे जीवों की रक्षा, ये भी ईश्वर की सेवा ही तो है। गणेश जी विघ्न हरता है, तो हमें ऐसे गणेश जी नहीं बनाने चाहिए जो विघ्न पैदा करें। मैं नहीं जानता हूं मेरी इन बातों को आप किस रूप में लेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोग हैं और मैंने कईयों सुना है। पुणे के एक मूर्तिकार श्रीमान अभिजीत धोड़फले, कोल्हापुर की संस्थाएं निसर्ग मित्र, विज्ञान प्रबोधिनी, विदर्भ क्षेत्र में निसर्ग कट्टा, पुणे की ज्ञान प्रबोधिनी, मुंबई के गिरगावाचा राजा, ऐसी अनेक विध संस्थाएं, व्यक्ति मिट्टी के गणेश के लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्रचार भी करते हैं। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव, ये भी एक समाज सेवा का काम है।